आई आई डू थिंक पाकिस्तानी इज़ केयर अबाउट म्यूज़िक बिग टाइम बिकॉज हमारा म्यूज़िक हमेशा दुनिया से चेंज रहा है डिफरेंट रहा है और उसने अपना आप मनवाया है देट्स फोश्योर sure. uh, शुरू वाइटल साइंस से ले कर महदी साहब से ले के उन आपदा जी से ले कर आज तक हमारा म्यूज़िक सरप्राइज ही कर रहा है पूरी दुनिया को अपना आप मनवा रहा है एक्चुअली सो so, मुझे मुझे ये लगता है कि ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा हमारे लोग म्यूजिक सुनना चाहते हैं म्यूजिक करना चाहते हैं बट वी हैव दैट मेंटेलिटी अगेन जहाँ पे कोई हमारे बंदे को ऊपर चढ़ाता है तो हम कहते हैं ये, ये बंदा सही है नई मीन लाइक कि किसी और मुल्क ने बोल दिया कि यार ये बंदा एक स्टार है तो आपने कह दिया ये स्टार है और इसके अलावा वी डोंट हैव मच प्लेटफॉर्म ये हमारा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म म्यूजिकली कोक स्टूडियो है uh, और अगर आप उस कोक स्टूडियो में जाएंगे तो यूर अ फेमस पर्सन अदरवाइज अदरवाइज यूर नॉट सो और अगेन थैंक्स टू देम कि दे हैव दिस प्लेटफॉर्म जहाँ पे जाके कोई म्यूजिक तो कर सकता है सो वी लाइक इससे पहले बेसमेंट uh, था वहाँ पे भी सारा नया uh, जितना भी आर्टिस्ट म्यूजिशियन था सब वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए गए और आए गए तो आई I मीन mean, ये चीज़ें हैं मगर जैसे म्यूजिक सुनना सारा दिन और क्या है म्यूजिक क्या नहीं है कितने जॉनर हैं क्या थ्योरी है ये एक्सपोजर है किसी भी नॉर्मल आदमी के लिए भी चाहे वो म्यूजिशियन नहीं हो just then we have more people who takes music seriously and think it's a profession i think we have amazing outcomes